सर, आप यहाँ? क्या हुआ, प्रमोट नहीं हुआ? हाँ सर, मेरी तो जॉब भी चली गई। उन्होंने कहा कि उनके बॉस ने मैंने कहा कि तुम प्रमोशन के लायक नहीं हो। क्यों सर? क्योंकि मेरे स्टाफ में जो क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें से एक काम करने की चाहत, दूसरी काम करने की काबिलियत, और तीसरी अपनी बात बिना डरे कॉन्फिडेंस से कहने की हिम्मत। तुम में ये तीनों नहीं है। और वैसे भी तुम ये शादी करना क्यों चाहते हो? मामा जी, मामी जी, आप अंकुश जी की शादी प्रीतों से क्यों करवा रहे? खुशी चुप कर, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। अम्मा विद्या, ऐसी बात नहीं करते। क्योंकि आपको लड़की पसंद है ना, हमारी प्रीतो में कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है सर, आई रियली लाइक हर। अच्छे इंसान है, इंटेलिजेंट है, और मुझे जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे घर वाले 1960s के इन-लॉज की तरह घटिया और स्टीरियोटाइपिकल डिमांड्स कर रहे हैं, बाहर ताने दे रहे हैं, पर तुम चुप हो। तुम्हारी अपनी मर्जी का कोई मतलब नहीं है क्या? तुम ये सब होने कैसे दे सकते हो? बाहर तुम्हारी होने वाली वाइफ और उसकी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। जब आप प्रीतो को देखने आए थे तब से आप हमारी हैसियत जानते हैं। ये मोहल्ला कैसा है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, कितना उनके बस में है कितना नहीं है, आपको सब पता है। तो फिर हर बात पे आप हमें ताने क्यों दे रहे? देखिए ना, प्रीतो की शादी को लेकर कितनी परेशान है, दिन रात एक कर दिया ताकि आप लोगों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। मामा जी, मामी जी, शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। ऐसी छोटी और घटिया बातें भूलकर जब तक तुम अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करना नहीं सीख जाते, मेरी कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सर, आप इसलिए मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? क्योंकि मेरे मामा मामी, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। सर सर, आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मैंने तुम्हें जॉब से सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे एक कमजोर और स्पाइनलेस आदमी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस लड़की से शादी कर भी लोगे तब भी तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली। पर सर, मैंने तुमसे इसलिए पूछा था कि क्यों कर रहे हो ये शादी। आज तुम इस लड़की से शादी कर भी लोगे लेकिन सिर्फ इसी एटीट्यूड की वजह से कल इसकी जिंदगी बर्बाद होने दोगे। जब तुम्हारे घर वाले वहां खड़े होकर बकवास कर रहे थे तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बस बहुत सुन लिया हमने, हमारी भी कोई इज्जत है, आखिर हम लड़के वाले हैं। संगीत घर पे क्या करने दिया, तो आप ये समझ बैठे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं? शादी रुकवा देंगे अगर इस लड़की ने हमसे माफी नहीं मांगी तो? आप सुनिए तो सही। मामी जी, मामा जी, ये शादी नहीं रुकेगी। क्योंकि मैं प्रीतिका से प्यार करता हूं और उसी से ही शादी करूंगा। मामा जी, ना मुझे इस मोहल्ले से कोई प्रॉब्लम है, ना इस घर से, ना प्रीतिका की मम्मी डैडी से, ना इस स्टील के ग्लास से, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मेरे अपने हैं और मेरी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस शादी में शामिल हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो? बेटा, हम तो बस यही चाहते थे कि तुम खुश रहो। हाँ बेटा, तुम्हें हमने अपने बेटे जैसे ही माना है हमेशा। हम तो यही चाहते कि बेटा तुम्हें हर अच्छी से अच्छी चीज दें,
मामा जी, चीजों से ज्यादा इंसान की अच्छाई की अहमियत होती है। आप लोग मेरे अपने हैं, कि प्रीतिका भी शादी के बाद हमारी अपनी ही होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना प्यार और अपनेपन से आपने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, ठीक उसी तरह उतना ही प्यार और अपनापन आप प्रीतिका को भी दीजिए। ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी। तो बस फिर हो गया, अब हम सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर इस शादी को एंजॉय करते हैं। क्यों मम्मी जी, हम खाना संगीत के बाद खाएंगे, उससे पहले थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। क्यों, क्या बात है नंद किशोर, प्लीज सर आप भी आइए ना। सर मुझे पता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की शादी अटेंड नहीं करते, लेकिन सर अब तो मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ। नो आई डोंट डांस। देखिए सर, अगर आप नहीं आए तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। आइए ना सर, प्लीज आइए। प्रीतु के लिए रुमाल लेकर आ। थैंक यू सर। लेकिन सर अब मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने आपकी बात मानकर प्रीतिका से शादी की, बल्कि इसलिए कि शादी के बाद मैं प्रीतिका को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूं, एक अच्छा हस्बैंड बनकर। एंड आई अश्योर यू सर कि आज के लेसन के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, एंड आई विल बी इवन अ बेटर एम्प्लॉय ऑल्सो। आपको मुझ पर गर्व होगा। तुम्हें बात समझ आ गई, इससे अच्छा क्या हो सकता। That's what's important. तुमने ये प्रूव किया है कि आगे जाकर तुम मेरी कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट ही नहीं, एक अच्छे इंसान और प्रीतिका के लिए एक अच्छे पार्टनर बनोगे। Keep her happy.
Always, sir. I promise. Good. Thank you. It's a pure.